अंधविश्वास ने ले ली मासूम की जान, भूत उतारने के नाम पर तांत्रिक ने जूतों से की पिटाई। भाजपा के सामाजिक सम्मेलन में बोले सीएम योगी, जाति के नाम पर नहीं होने देंगे विघटन। गोरखपुर में दंडाधिकारी बन गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी ने सुलझाई संतों की परेशानियां। यूपी में कोयले की किल्लत से होने लगी बत्ती गुल, गांव में आधे दिन बिजली नहीं, शहरों में भी कटौती शुरू। मुर्गी फार्म में 500 चूजे को मारकर संचालन की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला सौ। देवरिया में बरामदे में सो रहे युवक पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर लगा दी आग, हालत नाजुक। कोरोना के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता देगी योगी सरकार। यूपी में अगले 48 घंटे में तेजी से बदल सकता है मौसम, भारी बारिश की आसार, बिजली गिरने की भी आशंका। रायबरेली में नमकीन खाने से 3 बच्चियों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गोरखपुर में फिल्म शूटिंग के दौरान रवि किशन ने कहा कि जिले को मिल रही है फिल्म सिटी की पहचान। थाईलैंड में बना जय श्री राम फाउंडेशन के अंतर्गत होगा अवध एसोसिएशन। गोलांग गोरखपुर, थाईलैंड में स्थापित जय श्री राम फाउंडेशन ने अवध एसोसिएशन की आधारशिला रखी। जय श्री राम फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्गत अवध एसोसिएशन का एक विशेष पेज बनाया गया है। उक्त जानकारी गोला विकास खंड भटनी पार खुर्द निवासी फाउंडेशन के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी अमित शर्मा ने दूर संचार के माध्यम से जानकारी जय श्री राम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष पवन मिश्रा के हवाले से दी। बताया कि अवध फाउंडेशन के अंतर्गत दुनिया भर में रह रहे अवध वासियों को जोड़ने का अभियान चलाएगा, इससे लाभान्वित होंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने भगवती जागरण के कलाकारों को सम्मानित किया। नगर पंचायत बड़हलगंज की दीनदयाल चौक पर आयोजित बजरंग दल सेवा समिति के तत्वाधान में भगवती जागरण के भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा गोरखपुर के द्वारा भगवती जागरण के कलाकारों को चुंडी उड़ाकर एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया। भगवती जागरण के कलाकार रविंद्र सिंह, नेहा गुप्ता, वंदना गुप्ता, आशीष एवं सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पंकज सुनकर, अंकित जायसवाल, आकाश जायसवाल, शुभम गुप्ता, अंकित ठठेरा, अनिल सोनकर, आशीष जायसवाल, प्रमोद जायसवाल, अनिल जायसवाल, मनोज जागरण का रसपान किया। सीएचसी गगहा से जुड़े 27 उपकेंद्रों पर टीकाकरण सोमवार को। सीएचसी प्रभारी गगहा बीके बर्नवाल ने बताया कि सीएचसी से जुड़े 27 उपकेंद्रों पर सोमवार को कोविड टीकाकरण होगा। जिनको भी प्रथम या द्वितीय डोज का टीका लगवाने हो वह उस दिन जरूर लगवा लें। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में टीम लगाई जा रही है, इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। साथ ही साथ यदि किसी का टीकाकरण हो चुका है और उनका पोर्टल पर वैक्सीनेशन नहीं अपलोड हुआ है अथवा पोर्टल पर नहीं दिखा रहा है, ऐसे सभी लोग सोमवार को सीएचसी गगहा पर संपर्क करें, उनका तुरंत वेरिफिकेशन किया जाएगा। सीएचसी से जुड़े लगभग सभी उपकेंद्र व आसपास के गांव में भी टीकाकरण हो सकता है। विद्युत स्पर्श घात से 11 वर्षीय बालक की मौत। जानीपुर गोला क्षेत्र के डेहरी भार गांव में मूर्ति विसर्जन के बाद सहभोज आयोजित किया गया था, जिसमें जनरेटर लगाकर प्रकाश की गई थी। गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्हीं बच्चों में अंकित भी खेल रहा था। जनरेटर के पास नंगा तार था, अंकित उसकी चपेट में आ गया। जब तक लोग समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने जनरेटर बंद कर उसे वहां से डाड़ी चौराहे के एक निजी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उसे गोरखपुर ले जाने की सलाह दी। परिजन गोरखपुर ओरियन हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल की जमीन के लिए अमन ने स्थानीय अधिकारियों सहित उच्च अधिकारियों से फरियाद लगाई। बांसगांव तहसील के कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत उचेर ग्राम की प्रधान सादिक अंसारी एवं युवा नेता अमन सिंह ने ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के परिसर व स्थानीय मदरसे के ठीक सामने बन रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का पुरजोर विरोध किया है। अमन सिंह व ग्राम प्रधान के संयुक्त प्रयास है कि किसी तरह से उनके गाँव के बच्चों के खेल का मैदान बन जाए।
किंतु ठेकेदार के दबाव से स्थानीय प्रशासन भी उसी स्थान पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाने पर आमादा है। ग्राम प्रधान ग्राम सभा की अन्यत्र जगह देने के तैयार हैं। ये लोग स्थानीय अधिकारियों सहित उच्च अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं। इस बाबत नेता द्वय का कहना है, लगाई इसके पहले उच्च अधिकारी से लगाए, हम लोगों ने निम्न अधिकारी तक को यह सूचना दे चुके हैं, लेकिन यहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट या तीन लेबर लेके काम कर रहे हैं, ताकि यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे काम मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चुका हूँ, लेकिन काम नाम का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ यह हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हम लोगों का मेन बूथ है, यहाँ पे हम लोगों का मेन पोलिंग बूथ है। और जिस दिन कस्तूरबा इंटर कॉलेज बन जाएगा, इस गेट से अंदर, सामने जो गेट है, इस गेट से अंदर नहीं जाया जा सकता है, तो क्या हम लोग मतदान कहाँ करेंगे? आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है कि अगर प्रधान जी कहते हैं कि बगल में जगह है, बगल में एडजस्ट कर ले, अगर नहीं होता है तो परपुरवा में उन्हें जमीन रिलाइज करा दी जा रही है, वो परपुरवा में काम करें उस पे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे निश्चित तौर पे। हम लोग यह काम करने नहीं देंगे। यह प्राइमरी स्कूल के बच्चों का खेल कूद मैदान है। निश्चित तौर पे उन बच्चों की जिंदगियां, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जिस तरीके से इस विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, इससे जान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बच्चों को। रामायण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पुरस्कृत हुए बच्चे। गोला गोरखपुर धुरियापार में बाबा धवलेश्वर नाथ रामलीला के प्रांगण में रामायण से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रश्न का आयोजन महालक्ष्मी इंडियन गैस सर्विस एवं विश्व हिंदू महासंघ ब्लॉक उरवा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 5 से 14 साल तक के बच्चों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्नों के सही सही जवाब देने वाले अभिनव गुप्ता, अफसाना तानिया, मुस्कान, राधा कौशिक, सुदर्शन गौड़, आयुष, खुशी, रोशनी आदि दर्जनों बच्चों को पुरस्कृत किया गया। आयोजक संतलाल जायसवाल ने कहा कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अमित चंद पांडे, कृष्णा गुप्ता, नोनू गुप्ता, नन्हे दुबे आदि लोग मौजूद रहे। सभासद अमरनाथ यादव को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर बांसगांव चौराहे पर हुआ स्वागत। बांसगांव नगर पंचायत के सभासद अमरनाथ यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव बनाए जाने पर क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। आज बांसगांव चौराहे पर लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र व प्रदेश के हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जनता की निगाह समाजवादी पार्टी पर है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी का परचम जरूर फहरेगा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव, नगीना साहनी, अखिलेश यादव, प्रहलाद यादव, राम प्रवेश यादव, महेंद्र यादव, राहुल यादव, करुणा निधान, अभय सिंह, राम प्रवेश मंटू, नूर आलम, विनय सिंह, विकास सिंह, शक्ति सिंह, शिव शंभू यादव, जितेंद्र निषाद, ओमकार हर्ष व्यक्त किया। बगहा में हो रहे कटान स्थल पर सहायक अभियंता संग पूर्व मंत्री ने जाना हाल। बढ़लगंज क्षेत्र के बगहा देवार गांव एक बार फिर सरयू नदी में तेज कटान से खतरे में आ चुका है। आज सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नीरज राय के साथ पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने भयभीत ग्रामीणों संग कटाव स्थल को देखा और बचाव कार्य अविलंब शुरू कराने को कहा। बगहा दीवार के ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के दौरान नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन इस 1 महीने में नदी अंदर ही अंदर काटते हुए गांव से 50 मीटर की दूरी पर आ गई और अब तो ओम प्रकाश मिश्रा के घर से मात्र 5 मीटर रह गई। इस क्षेत्रीय संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा महेश उमर, वेद प्रकाश त्रिपाठी, आनंद त्रिपाठी, प्रधान बगहा सुभाष यादव, सतीश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महुआ पार में नहीं लगेगा पूर्णमासी का मेला। बढ़लगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआपार में दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति पूर्णमासी के दिन 20 अक्टूबर को लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। ग्राम प्रधान संदीप गौड़ ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा इस बार भारी बरसात के चलते टूट जाएगी।
इस साल ग्राउंड में पानी भर जाने के चलते मेले का आयोजन नहीं होगा। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में जिसमें कबड्डी बालक वर्ग में प्रथम स्थान महुआ पार, द्वितीय स्थान बैरिया खास, बालिका कबड्डी में महुआ पार का प्रथम स्थान बेली द्वितीय स्थान रहा। कुश्ती में 54 kg भार वर्ग में नासिर मोहम्मद दोबौली प्रथम, सुनील यादव द्वितीय, 58 kg में जितेंद्र यादव डेढ़वा प्रथम, शिवम गौड़ द्वितीय, 63 kg प्रतिभान प्रथम, हनुमान यादव द्वितीय, 69 kg अमित प्रथम, अभिषेक द्वितीय, 100 m दौड़ आर्यन यादव प्रथम, प्रिंस कुमार द्वितीय, इमरान तृतीय, 100 m बालिका वर्ग दौड़ प्राची आर्या प्रथम, सोनी द्वितीय, चंद्रमुखी तृतीय, 400 m दौड़ में प्रिंस प्रथम, महिपाल द्वितीय, दिलीप यादव तृतीय रहे। युवा